अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। कौमी असम्बली का पहला इजलास, लेकिन शेख रशीद इस दौरान क्या करते रहे, जानकर आपको भी बेहद हैरत होगी। 15वीं कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा ली हैं, जिनमें आसिफ ज़रदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ और इमरान खान समेत दीगर अहम रहनुमा भी शामिल हैं। ताहम पूरी इलेक्शन मुहिम दौरान मीडिया में सबसे ज़्यादा इन रहने वाले शेख रशीद कौमी असम्बली में गायब गायब नज़र आए। वो शरीक तो हुए और हलफ भी लिया, लेकिन उन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिली। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के दौरान शेख रशीद इस तरह मंजरनामे में छाए हुए नज़र नहीं आए, जिस तरह वो इलेक्शन मुहिम के दौरान हर तरफ नज़र आते थे। इजलास के दौरान शेख रशीद एक साइड पर बैठे दिखाई दिए, जिसके कुछ देर बाद वो इमरान खान के बाएं जानब जाकर बैठ गए, जबकि इमरान खान के दाएं जानब शाह महमूद कुरैशी बिराजमान रहे। ताहम इंतहाई दिलचस्पी का अमर यह है कि कौमी असम्बली की पूरी कार्रवाई को सरकारी टीवी ने भरपूर तरीके से कवर किया और तकरीबन हर मारूफ रुकन का तारफ करवाया, लेकिन शेख रशीद को कवरेज नहीं मिली और PTV ने नहीं उन्हें दिखाया। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।